तो भाई लोग आपने हमारे काफी सारे स्टूडियो टूर्स देखे होंगे, सबसे पुराने वाला, उसके बाद वाला, फिर 7 करोड़ वाला। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टूडियो टूर देने वाला हूँ। बट उससे पहले थोड़ी सुपर हीरो एंट्री हो जाए। सुपर हीरो नहीं बनना, स्टूडियो दिखाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई सॉरी 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 यार। तो प्रेजेंट करते हैं आपके लिए ब्रांड न्यू स्टूडियो टूर। फ्लेक्स, आई जस्ट वांट टू विन, एलएबीबी हु वी रनिंग विद, 2 2 3 3 आई एम ऑन 10 अगेन, पंप अप द एक्शन। हो नहीं सकता, कमिंग इन 10 10 10। तो भाई लोगों, ये है गरीबों का स्टूडियो सेटअप। अब इस स्टूडियो सेटअप को है ना, हमें चेंज करना है। और जो ये भी हाल हो रखा है, ये इसलिए है क्योंकि ये एक रूम के अंदर है, ये एक स्टूडियो स्पेस में नहीं है। तो हम इसको आज एक नया स्पेस देंगे, इसको एक इसकी जगह देंगे सेपरेट, एक सेपरेट रूम जहाँ पे सिर्फ हमारा कंप्यूटर और हमारी लाइटिंग्स और स्टूडियो ही हो। तो भाई लोगों, एक बार आखिरी बार देख लो ये कैसा दिख रहा है, पूरा दिखा दे एक बार गोल घूमकर। ये देखो, तो भाई लोगों देख लो आखिरी बार इसे। अब इसे हम पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं, पूरी काया पलट करने वाले हैं। और कल ही रात को हमने हमारी इन्वेंटरी के अंदर नई चीज ऐड करी है, मतलब स्टूडियो में एक नया आइटम लेकर आए हैं, जो कि है हमारी प्रोफेशनल लाइट। ये है हमारी रिंग लाइट, जिससे हमारा काम हो जाएगा, चल जाएगा। तो आप भी देख लो इसकी मार कैसी है, इसकी लाइट कैसी है, देखो कितनी प्यारी है ना, एकदम मस्त। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है। अरे सॉरी सॉरी, ये वाली नहीं है, ये वाली है। तो भाई लोगों, टाइम आ चुका है कि हम हमारे रूम स्टूडियो को अब एक प्रॉपर स्टूडियो के अंदर कन्वर्ट कर दें। क्यों भूपेंद्र? क्योंकि भाई लोगों, काफी टाइम हो चुका है ना, ये जो रूम है ना, इसी में हमने कंप्यूटर लगा रखा है, एक टेबल ले रखी है, कुछ ऐसी चेयरें ले रखी हैं, और इसी के अंदर हम वीडियोस बना रहे हैं, इसी पे हम एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये वैसे तो एक बेडरूम है, बट इसी के अंदर हमने स्टूडियो कह दिया इसको, स्टूडियो है नहीं बट। तो आज एक काम करते हैं, इसको एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं, एक प्रॉपर रूम देते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ एक कंप्यूटर, टेबल और एक ब्लैंक वॉल, एक अच्छा स्पेस हो जहाँ पे थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग करके अपन क्वालिटी बढ़ा के आपको पब्लिश कर सके कॉन्टेंट। तो समय आ चुका है कि अब अपग्रेड करा जाए। तो मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके लाइटें लेके आएंगे, कुछ इक्विपमेंट्स जो अपने को चाहिए वो लेके आएंगे, और इसे धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। आज है ना, पूरे दिन भर मजे ही मजे करे हैं सिर्फ, आज कुछ भी नहीं करा सच्ची में। चलो यार अब चलते हैं, चले चलो अब तो चले, अब तो काम करना है। चलो, लेकिन उससे पहले है ना जैकेट पहन लेते, क्योंकि बाहर सर्दी है वरना पुंगी बच जाएगी। तो भाई लोगों, गाड़ी आ चुकी आ चुकी आ चुकी है, ये रही अपनी तार, ये रही अपनी तार। चलो तो भाई लोग, अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं मार्केट। ये है अजमेर की गलियां। भूपेंद्र कितनी देर में पहुंचेंगे यार, कौन सी दुकान है? शायद 10 मिनट लास्ट। भाई मुझे तो पता नहीं है यहाँ का सीन क्या है, कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता अजमेर का। अपने को बाहर का पता है बट यहाँ का नहीं पता है। ऑनलाइन ही मंगा सकते अपन सामान, ऑफलाइन नहीं। पहुंच गए पहुंच गए। सोनी दिख रहा है ना, सोनी, ये है अपने लोकल्स, लोकल फॉर वोकल्स। तो भाई लोगों, फाइनली ये लाइट ले ली है और अच्छी है लगी। मेनली तो भैया का नेचर बढ़िया था, मजा आ गया। चले भूपेंद्र, चलो। तो भाई लोगों, फाइनली लाइटें ले ली है, चले आ गए हमारे घोड़े के पास। तो भाई लोगों, फाइनली हमने गाड़ी चेंज कर ली है और भूपेंद्र को मैंने घर पे छोड़ दिया है। अभी मेरे पास कौन है मैं बताऊंगा नहीं, बट चलते हैं घर, और घर चल के मिलते हैं आपसे। तो भाई लोगों, फाइनली घर पहुंच चुके हैं और सामान उतारते हैं भाई अपना। चलो 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 चलो, सामान उतारते हैं। तो भाई लोगों, पूरा घर अभी मैस्ड अप हो रखा है। ये लाइट लेकर आया हूँ और ये एक स्टैंड लेकर आया हूँ, इतना ही बजट था तो यही सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको तो अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स का तो बहाना है, वॉच टाइम जो बढ़ाना है। पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा हूँ, क्या अनबॉक्स करें यार। तो भाई लोगों, वेट किस चीज का कर रहे हो? करते हैं काया पलट। भाई लोगों, बोल तो दिया काया पलट करने का, काया पलट करने के लिए उठना भी पड़ता, आलस आ रहा है। चलो भाई, चलो 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 चलो, यस चलो।
चलो मैं आपको बताता हूँ किस रूम में हम सेटअप करने वाले हैं। आज वाले तो भाई लोग ये है हमारा रूम जिसके अंदर हम अब स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। लाइट चला देता हूँ, आपको दिख नहीं होगा ढंग से, ऐसे चलाते हैं हमारा लाइट, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और एको बाइको बाइको। तो भाई लोग चलो सेटअप करते हैं यार। भाई लोगों चलो सेटअप बोलना बड़ा आसान है, बट अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो सोफे दिख रहे हैं ना, इन सोफों को हटाना है और यहाँ पे लगाना है, और उसको लगाने के लिए भी पहले इनको हटाना है, तब जाके लगेगा। ऐसे चलो करते हैं, ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे देखा ऐसे नहीं होता सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी काम करते हैं, ये जो सोफाज है ना इनको है ना उधर शिफ्ट करते हैं जहाँ से हमने बक्से हटाए थे। और देखो इधर देखो एक बार, पापा के मेडल्स देखो, काफ़ी सारे मेडल्स इधर रखे हुए हैं, और इधर भी काफ़ी सारी यादें रखी हुई हैं, मेडल्स रखे हुए हैं। तो अब एक काम करते हैं, इन्हें शिफ्ट करते हैं। तो भाई लोगों चलो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों समय आ चुका है कि हमारे कंप्यूटर को हम डिसअसेंबल करें और उधर लेके जाएं। और रूम में ले जाने से पहले इन सब की साफ सफाई कर लेते हैं और फिर लेके चलते हैं। तो भाई लोग अब एक काम करते हैं, सेटअप करते हैं। भाई लोगों फाइनली हमने सेटअप कर लिया है, बट इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने, जैसा कि आप सुन सकते हो काफी सारा एको आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना एको, तो ये चीज है, इस चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वैसे खाली स्पेस भी है तो यहाँ पे हम सोफा लेके आते हैं, और आप देखो थोड़ा बहुत इसको देखो अभी कैसा सीन हो रखा है, मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। देखो एक काम करते हैं सोफा लेके आते हैं चलो। तो भाई लोगों सोफा रख दिया है कि भूपेंद्र जी यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो भूपेंद्र रेस्ट कर सके, और भूपेंद्र काम कर रहा हो तो मैं रेस्ट कर सकूँ। तो ये सोफा बड़ा काम का आएगा, अच्छा है, बाकी सांसें फूल गई हमारी तो इतना सा करने में ही, बाकी मस्त सब बढ़िया है। और क्या करने का है भूपेंद्र बता, इसको खाली करते हैं और ये सब चीजें है जिसको। अच्छा ये जो मेडल्स और ये सारी चीजें रखी हैं, ये पापा की सामग्री हैं, तो इनको उधर रखते हैं। अब इसको हमने स्टूडियो में बना रहे हैं तो हम भाई यार ठहरे पबजी वाले, धाएं धाएं गेम वाले, तो थोड़ी गेम की चीजें लाके रखेंगे जो हमसे रिलेट करती होंगी, तो धीरे धीरे करेंगे यार, वो भी बजट के हिसाब से यही सही है, बाकी इनको खाली कर देते हैं, है ना। चलो। और भाई लोगों ये जो ये देख रहे हो ना आप गणेश जी, ये गणेश जी है ना मम्मी ने बनाए हैं, और ये देखो ये जो चीजें, ये जो लटकाने का है ना, ये भी मम्मी ने बनाया है। जब आर्मी में थे ना तो वहाँ पे सीविंग, मतलब कि क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसे, बुनना, बुनने की वो पढ़ाई करी थी उन्होंने, तो ये भी उन्होंने बनाया है, और वो वाले भी उधर मम्मी जी ने बनाए हैं। और ये देखो ये सबसे बेस्ट बनाया था मम्मी ने, अच्छा बनाया है, अच्छा है। तो भाई लोगों फाइनली सेटअप हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। और भूपेंद्र हाँ कैसा लग रहा है अब भाई जोरदार लग रहा है भाई, जोरदार। देखो सच बात बताओ ना, पहले कचरे से तो अभी तो लाख गुना अच्छा है, अच्छा है। और वो लाइट है ना, वो लाइट भाई उसने जिंदगी बदल दी है यहाँ की, सच बता रहा हूँ। ये घर की सीलिंग लाइट से इतना काम नहीं बनता जितना उस लाइट से बनता है, तो कोई नया स्टार्ट कर रहा हो तो मैं भी उसे वही रिकमेंड करूंगा, अपने 3-1 हज़ार के अंदर हो जाता है, बढ़िया सा और बढ़िया लाइट है। तो अब एक काम करते हैं, कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, चल गया भाई कंप्यूटर चल गया। देखो 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 भाई हमारे भूपेंद्र का हाथ शुभ है यार, हाँ शुभ है, सच में शुभ है, शुभ है भाई तारो हाथ, हकीकत में शुभ है, हमारे कौन चल रहे हैं, कभी भी नहीं चलता मेरे कभी भी नहीं चलता ऐसे पीसी, सच में नहीं चलता मेरे, मैं हमेशा चालू करता हूँ ना तो अटक जाता है, रैम डी रैम प्रॉब्लम दिखाता है, बट इसने 2 बार चालू करा, दोनों बार सेटअप नया नया लगाया, चालू हो गया, हाथ शुभ है बंदा यार, हाथ के अपन तो पूरे शुभ है, पूरे शुभ है। तो भाई लोगों देखो कुछ ऐसा सीन है, अभी वायरिंग है ना थोड़ी सही नहीं है, वायरिंग को हम सही करेंगे, ब्लैक टेप लेकर आएंगे ना तो सही हो जाएगी, बाकी तो अच्छा ही दिख रहा है। और कैमरा हम सोच रहे हैं कुछ इस एंगल से लगावें, तो देखो अच्छा लग रहा है ना ये, या फिर एंगल चेंज करें, मेरे को तो इससे अच्छा लग रहा है। नहीं तो एक ऑप्शन और है अपने पास कि अपन कहाँ से लगा सकते हैं, एक ये जो ट्राइपॉड रख रखा है तो यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से, वो गेट वेट सब बंद हो जाएंगे ना, वो सब बंद कर देंगे अपन,
तो शायद एक बढ़िया लुक आए। और ये जो दीवार है, ये दीवार भी अच्छी है, अगर अपने को खड़े होकर वीडियो बनानी है तो अपन यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना लेंगे। और देखो कुछ ऐसी सजावट कर रखी है अपन ने, बाकी ये खाली कर दिया मैंने, इसमें अपना गेमिंग का रहेगा ना वो लगाएंगे। भूपेंद्र टेप लेने चलना है अपने को अब। तो भाई लोगों फाइनली प्रेजेंट करते हैं हमारा स्टूडियो सेटअप। नौकर की बात कौन है यार? तो भाई लोगों चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। ये खुला, ये खुला, ये घूम, ये घूम, ये घूम, एंड ये रही हमारी प्रोफेशनल अपर्चर की 200D लाइट।